उत्तर प्रदेश के जनपद गाजियाबाद में किसान मोर्चा द्वारा रजापुर ब्लॉक के जलालाबाद मंडल के गांव मासोता में मंडल अध्यक्ष किसान मोर्चा एवं प्रोग्राम संयोजक देवेंद्र सांगवान व पवन प्रधान जी मंडल मंत्री एवं प्रोग्राम आयोजक के आवास पर मुख्य अतिथि के रूप में सुरेंद्र भल्ला क्षेत्रीय महामंत्री किसान मोर्चा देवेंद्र चौधरी डायमंड जिला अध्यक्ष गाजियाबाद किसान मोर्चा जिला महामंत्री जितेंद्र चितौड़ा जी रहे। मंच का संचालन चौधरी देवेंद्र सांगवान अध्यक्ष मंडल जलालाबाद किसान मोर्चा ने किया। सभा की अध्यक्षता संदीप प्रधान जी ने की। आरा में मुख्य वक्ता जितेंद्र चितौड़ा जिला महामंत्री, मुख्य अतिथि देवेंद्र चौधरी जिला अध्यक्ष गाजियाबाद किसान मोर्चा रहे। वरिष्ठ अतिथि सुनील शर्मा कोट मंडल प्रभारी रहे। इस मौके पर नौशाद चौधरी, फरमान चौधरी, हाजी जी शौकीन, सलीम चौधरी, सचिन चौधरी, मुकुल नीरज चौधरी, धर्मपाल जी राजा दीवान, सत्य प्रकाश जी, सुनील मित्तल जी, बालेश्वर जी, हरिकांत जी, कमरुद्दीन, उमेश चौटाला, धर्मेंद्र चौधरी, मनोज तेजवीर आदि मंडल के सभी पदाधिकारी एवं गांव के सभी भारी संख्या में किसान भाई मौजूद रहे। देवेंद्र सांगवान अध्यक्ष मंडल जलालाबाद किसान मोर्चा बहुत ही कम समय में किसानों के प्रति मोहब्बत और भाईचारे जैसे काम कर रहे हैं। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशानुसार ये साप्ताहिक प्रोग्राम चल रहे हैं हमारे 6 तारीख से 14 और ये प्रत्येक पदाधिकारी को कोई ना कोई जिम्मेवारी दी गई है। मैं किसान मोर्चे का जिला अध्यक्ष हूँ, इसलिए मुझे किसान मोर्चे के बीच में जाकर के किसानों से प्राकृतिक खेती, गो आधारित खेती के आधार पर जाकर के उनके बीच में जागरूकता बढ़ानी है। जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का आदेश है, श्री अन्न योजना उन्होंने एक चलाई है, उसे श्री अन्न योजना बोलते हैं, मोटा अनाज, उसको बढ़ावा दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान जागरूक हो, उस अनाज को बोएं, उसे खाएं, तो उससे स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और आय भी बढ़ेगी। जनता को क्या संदेश देंगे? संदेश जनता का यही है कि भी मोटा अनाज बोएं, अच्छी आमदनी होगी, प्राकृतिक खेती करें। ऐसा नहीं है कि आमदनी का स्रोत सिर्फ उसी में ही है, बाकी कुछ अलग हटके करेंगे तो उसमें आमदनी भी बढ़ेगी। आज हमारे यहाँ गन्ने की बेल्ट है, गन्ना ज़्यादा बोया जाता है। बाकी मेरा किसानों से ये निवेदन है, गन्ने से हटके भी कुछ अलग बो करके देखें तो शायद हो सकता है कि सुधार होगा, आर्थिक आधार सुधरेगी और नई नई चीज़ें भी आएंगी। किसानों का प्रोग्राम किया गया था, किसानों को जागृत करने के लिए हम लोग आए, सभी लोग बैठे हैं कि भाई अगर यदि 15 बीघा ज़मीन है तो उसमें 4-5 बीघा जो है मोटा अनाज, ज्वार है, बाजरा है, मक्का ये है, उसको बोए और उससे स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और मोटा अनाज खाना स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहेगा। काफ़ी किसान थे, किसानों को योजना भी बताई हमने कि भाई भाजपा सरकार क्या क्या योजना लाई है और उसके लिए हमने ये आज योजना पूरे प्रदेश में ये कार्यक्रम चल रहा है, एक साप्ताहिक है ये और हम ब्लॉक ब्लॉक जाकर के गोष्ठी करेंगे, किसानों को समझाएंगे, काम करेंगे। भैया जैसे आज मसौदा गाँव में किसानों के लिए आज प्रोग्राम किया गया है तो क्या कहना चाहेंगे? ये प्रोग्राम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी के दिशा निर्देश पर 6 तारीख से लेकर 14 तारीख तक पार्टी के स्थापना दिवस से लेकर बाबा साहब की जयंती तक सेवा न्याय पखवाड़े के रूप में भारतीय जनता पार्टी मना रही है। प्रतिदिन किसी न किसी मोर्चे द्वारा रक्तदान शिविर हो, किसानों के बीच में जाना, उन्हें योजनाओं को बताना, हमारी सरकार द्वारा किसानों के लिए मोटे अन्न पर माननीय प्रधानमंत्री जी श्री अन्न योजना के तहत मोटे जो हमारा प्रत्येक नागरिक स्वस्थ रहे। तो कल ये महिला मोर्चे का प्रोग्राम है, महिला मोर्चा उन्हें एक सामूहिक भोज के रूप में मना रही है। तो प्रतिदिन किसी न किसी मोर्चे का प्रोग्राम, प्रत्येक दिन पूरे सप्ताह पार्टी एक राष्ट्रीय स्तर पर मना रही है। मैं कहना है कि पूरी किसान जो समुदाय है हमारा, और सही मायने में कि वह समाज है जो हमारे पेट को भरता है, और इस दौर में जो अन्न पैदा हो रहा है उससे बीमारियां हो रही हैं, तो प्रधानमंत्री जी ने बहुत ज़मीनी स्तर पर देख के कि मोटा अन्न और जैविक खेती हो और प्राकृतिक खेती हो, जो जिस तरह प्राचीन समय में होती थी, बीमारियां नहीं होती थी और अन्न भी अधिक पैदा हो जनसंख्या के आधार पर, तो ऐसा प्रोग्राम प्रधानमंत्री जी लेकर आए और किसानों को जागरूक करने का काम आज हम लोगों ने मसौता गांव में किया है। और प्रधानमंत्री बहुत चिंतित हैं देश को लेकर, किसानों को लेकर 6 तारीख से लेकर 14 तारीख तक विभिन्न प्रोग्राम समाज के बीच में चलाया। मसौदा गांव से ग्राम प्रधान पति है, आज जैसे किसानों को प्रोग्राम किया गया है क्या कहना चाहेंगे? किसानों का प्रोग्राम बहुत अच्छा किया गया है, इसमें हमारी जो सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, जो आम जनता है गरीब उसके लिए सोच रही है, क्योंकि बिना पैसे के आदमी का इलाज किया जा सके, जो रोज की बीमारी है उसके खान पान के चेंज होने से आम जनता को बड़ी राहत मिली।
पहले तो मैं आप सभी मीडिया बंधुओं को धन्यवाद और बधाई देता हूँ। आपने इस कार्यक्रम को आकर के जन जन तक पहुँचाने का काम किया है। मेरा नाम देविंदर सांगवान है और जलालाबाद मंडल से मैं किसान मोर्चे का मंडल अध्यक्ष हूँ। आज इस कार्यक्रम किसानों के ऊपर है। पहले की सरकार में आज की सरकार में क्या चेंज हुआ है मैं बताना चाहता हूँ आपको। मैं किसान हैं, हम जैसे अगर ट्वेल पे जाते हैं तो घर से भैंस चोरी होती थी, आज घर पे हैं तो वहाँ मोटर चोरी होता है, लेकिन आज इस सरकार से सब सुरक्षित हैं। हम किसान भाई सुरक्षित हैं, बिजली के बिल माफ़ कर दिए गए हैं, हम आदरणीय देश के राजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देते हैं। उन्होंने किसानों के बारे में इतना कुछ सोचा और पूरा मंडल के जितने भी किसान भाई हैं बहुत आज खुशी के मारे, बहुत ही